पाए। सिद्धाण मणमो आर्याण मणमो अध्यायाण मणमो मंचासीन हमारे समस्त आदरणीय विद्युत महोदय, सामने बैठी हुई समस्त आत्मार्थी समाज भाइयों और बहनों, पहले मैं अपना विषय दोहरा दूं। निश्चय चारित्र का स्वरूप, उसके पर्यायवाची शब्द, निश्चय चारित्र किस गुण स्थान में कितना होता है। हाँ, ये नहीं है इसमें, देखिए स्वरूप में आ गया, एक ही बात है। देखो भैया, पूज्य गुरुदेव श्री के अभ्युदय के पूर्व इस दिगंबर जैन समाज में निश्चय चारित्र की चर्चा ही नहीं थी। ये तो कोई देन है पूज्य गुरुदेव श्री की, जिन्होंने निश्चय चारित्र का स्वरूप बता करके, सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता करके हम सबको यथार्थ चारित्र में लगाने की प्रेरणा दी है। और यही समाज के अज्ञान के कारण हम आज तक चारित्र के विरोधी माने जाते रहे हैं। क्यों? क्योंकि तथाकथित जिस चारित्र को वो आचार्य समझते हैं, वो चारित्र व्यवहार से तो है लेकिन साक्षात मुक्ति का कारण नहीं है, इसलिए उन्हें उस चारित्र को ही सच्चा चारित्र सुनने को नहीं मिलता है, तो उन्हें लगता है कि चारित्र के विरोधी है। जिसे हम लोग पुण्य बंध का कारण आदि या बंध का कारण कहते हैं, मोक्ष का नहीं कहते हैं। देखिए विषय के शुरुआत करते हैं, निश्चय चारित्र का स्वरूप क्या है। चारित्र असल में वीतरागता का नाम है, अतीन्द्रिय आनंद का नाम है, स्वरूप में रमने का नाम है, उदासीन होने का नाम है, और आगे चल के गए तो जगत से मौन होने का नाम है। हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी, स्वरूप चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में मग्न होना ये चारित्र है। वस्तुतः मैं स्वयं वीतरागी हूं, स्वभाव मेरा वीतरागी है, इसलिए पर्याय में जब वीतरागता प्रकट होती है तो वो चारित्र हो जाता है। गहराई से यदि हम देखें तो स्वरूप में रमना अर्थात वीतराग स्वरूप में रमना अर्थात वीतराग रूप होना अर्थात ज्ञात दृष्टा रहना, इसका नाम चारित्र है। जीव ज्ञात दृष्टा कब नहीं रह पाता है? जब वह पर पदार्थों को देख करके ज्ञात दृष्टा मात्र स्वरूप होने पर, वह पदार्थ गेय होने पर भी उनमें किसी में अच्छे बुरे या अपने पराये की कल्पना करता है, तो वह ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाता है, वहीं से उसका राग द्वेष रूप अचारित्र या मिथ्याचारित्र शुरू हो जाता है। तो ये जो चारित्र है, यदि मान लो वीतरागता चारित्र है, तो थोड़ी देर के लिए हम देखें कि हम सब लोग अपने जीवन में वीतरागता लाने का कितना प्रयास करते हैं, या जो राग द्वेष कि बिना हमारी जिंदगी चल सकती है, ऐसे राग द्वेषों को कितना हम तोड़ते हैं। नहीं तोड़ते हैं तो अपने रागों को चुने, व्यर्थ के रागों को कम से कम चुने, उनसे बंधने वाले व्यर्थ के पापों से बचें और मोक्ष मार्ग में लगें। तो निश्चय चारित्र क्या? स्वरूप चरणम चारित्रम, अपनी आत्मा में रमणता अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहना, आनंद में केली करना, इसका नाम स्वरूप चरण चारित्र है। आगे नया विषय इसमें दिया है, उसके पर्यायवाची नाम। चारित्र के पर्यायवाची नाम है स्थिरता, रमणता, लीनता, मग्नता, गुप्तता। इनका एक एक आधा आधा मिनट में स्वरूप बताएं। स्थिर हो जाना, हम मात अपने स्वरूप में स्थिर, अर्थात ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वरूप है, हम ज्ञाता दृष्टा रहे, चारित्र हो गया है। कोई बाहर की जो उठापटक चारित्र दिखती है ना, वो चारित्र नहीं है भैया, चारित्र का सहयोगी जरूर है। कब? जिसको निश्चय चारित्र हो। तो निश्चय चारित्र नहीं हो, अकेले खेत जोत लें, बाड़ लगा दें, बीज नहीं डालें, तो कोई उपयोगिता नहीं है। हम अपने स्वरूप में स्थिर कब रहेंगे?
जब हम देखेंगे कि हमारा स्वरूप ही मात्र ज्ञाता दृष्टा है। टोडरमल जी ने एक अच्छी चीज लिखी है, ज्ञान दर्शन और श्रद्धान का स्वरूप बताते हुए, वही श्रद्धान है जिस श्रद्धान करने से राग आदि घटे, वही ज्ञान है जिस ज्ञान करने से राग आदि घटे मिटे अल्प हो, और वही चारित्र है जिससे राग आदि मिटे और घटे। अर्थात चारित्र क्या, मत राग आदि घटाने का नाम, और राग आदि कब घटते हैं हम ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। दूसरा आता रमणता, रमना कहाँ होता है, कोई भी प्रिय वस्तु हमें मिल जाती है, चाहे वो दृश्य हो चाहे श्रव्य हो चाहे खाद्य हो, हम वहाँ रम जाते हैं, मतलब टिक जाते हैं, थोड़ी देर को अपने के लिए भूल जाते हैं। ऐसी जब ये पर्याय में पर्याय हुए भूल जाती है, एक अलौकिक दुनिया में जाकर के अपने चेतन स्वभाव में जाकर के एक साक्षात सिद्ध परमात्मा जैसा एक भगवान आत्मा है उसमें जाके टिक जाती है, रम जाती है, स्थिर हो जाती है, रमणने लगती है, क्योंकि यहाँ से उसके आने का मन नहीं होता है, क्योंकि विश्व में मुझसे सुंदर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, नाथ है ही नहीं। जगत में अगर बाहर में देखा जाए तो समोषण से कोई सुंदर नहीं है, अंतर में देखा जाए तो निज गायक से सुंदर नहीं है, बाकी जितनी है वह तुम्हारी कल्पना की सुंदरता है। आगे देखिए लीनता। देखो कभी कभी अकबर के राज दरबार में जब संगीत चलता था तो सभी लोग सर हिलाते थे, तो अकबर ने बीरबल से कहा कि साहब सभी लोग इसके संगीत के ज्ञाता हैं। कहा साहब रुकिए, एक ऑर्डर दिया गया कि जो संगीत चलेगा और सर हिलाएगा उसका धड़ कलम कर दिया जाएगा। और अब संगीत शुरू हुआ तो जो आर्टिफिशियल थे, जो संगीत का मजा तो नहीं लेते थे केवल नकल करते थे, वो तो स्थिर रह गए। जिन्हें वास्तव में संगीत से प्रेम था, जो संगीत में वास्तव में लीन हो जाते थे, उनका सर हिलने लगा। तलवार वालों को ऑर्डर दिया गया तलवार सर काटना नहीं, केवल नाम लिख के लाना, बताना मुझे। तो जिनका जिन्होंने सर हिलाया उन्हें पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे ही लोग कितने ही हम लोगों पे ये आरोप लगाएंगे चारित्र को नहीं मानते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन फिर भी जो हृदय से चारित्र के प्रेमी होते हैं वो पुरस्कार के पात्र होते हैं। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब को आपने देखा होगा, श्रीमद जी का नाम अभी हमारे मुकेश जी ने लिया है, ऐसा कौन सम्य दृष्टि होगा। मैं पूज्य गुरुदेव श्री की एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। जिस समय स्टार ऑफ इंडिया के बाद में पूज्य गुरुदेव श्री, चूँकि हम वहाँ 13-14 साल से सोनगढ़ रह रहे हैं, स्वाध्याय मंदिर बनाए जाने लगा, बापू रामजी भाई ने काफ़ी लंबी चौड़ी जमीन खरीद ली, काफ़ी सस्ती थी उस समय, पंचायत ने 2 पैसा गज में जमीन दी थी। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा साहब इतनी लंबी चौड़ी जमीन क्यों ले रहे हो आप, क्यों साहब आपके लिए। कहले सुनो गुरुदेव श्री के शब्द कि तुम हमारे पीछे ये व्यवस्था करते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमने जिंदगी भर यहाँ रहने का ठेका लिया हो, न जाने किस दिन अंतर परिणति घड़ी बन जाए, हम वन जंगलों में जाके आत्मा का ध्यान करें। इसलिए भैया ये लीनता ही ऐसी होती है। एक छोटा सा और उदाहरण मुझे याद आ रहा है पूज्य गुरुदेव श्री का, निर्वाण सागर जी महाराज जिस समय सोनगढ़ आए थे हम वहीं पे थे। पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में शायद ही 1-2 ऐसी घटनाएं होंगी कि प्रवचन का टाइम हो जाए और प्रवचन प्रारंभ ना हो और पूरी सभा जमी हो, गुरुदेव श्री बैठे हो। गुरुदेव श्री को ज्ञात हुआ निर्वाण सागर महाराज आने वाले हैं, तो टाइम होने के बाद में भी कहा रुको, क्योंकि ये पता लगा था आने ही वाले हैं। इसके बाद महाराज जी आए, गुरुदेव श्री अपने पार्टी से उठे, मैं उसी सभा का साक्षात दृष्टा हूं, और महाराज के पास तक गए, हाथ पकड़े, कुशल सेम पूछा। गुरुदेव श्री ने प्रवचन के पहले एक पाटा ऊंचा लगवाया उनकी बैठने के लिए, लेकिन कुछ युवानियों उनके साथ जो साथी थे उन्होंने कुछ चाबी इस टाइप की भरी थी कि आज भी निर्वाण सागर महाराज जी जब मिलते हैं वो कहते हैं मुझे दुख है कि एक स्वर्ण अवसर मुझे प्रवचन सुनने का मिला था, वो साथियों के कहने से हमें सोनगढ़ जाने के बाद में भी हमने वो प्रवचन नहीं सुना था। फिर हमसे कहा कि रमेश, क्योंकि वहाँ हमने पहले परिचय दिया था कि साहब इनके साथ हम रह चुके हैं, कुछ दिनों में पहले बिहार किए थे मेरोनी टिकोण आदि में, तो बोले कि इनको पूरा परमागम मंदिर और सभी मंदिर दिखाओ, जब वो प्रवचन में नहीं बैठे।
मुझे तो चर्चा अपनी करनी है। मग्नता, जीव मग्न हो जाता है अर्थात मन शांत हो जाता है, जब चारित आता है तो मन पंछी मर जावे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं मावे जब आत्म अनुभव आवे। और गुप्तता, ये इसके पर्यायवाची नाम है, मुझे केवल एक दो बातें कहनी हैं। हाँ, इसका एक ये पॉइंट हमारा रह जाता है कि निश्चय चारित किस गुण स्थान में कितना। देखिए, आप एकाएक ये कहोगे कि व्यवहार चारित्र किस गुण स्थान में कितना, इसकी चर्चा तो हो सकती है विस्तार से, लेकिन निश्चय चारित्र किस गुण स्थान में कितना ये तो संभव नहीं, क्योंकि चारित्र का निश्चय स्वरूप इतना है आत्मा के लिए इतना। लेकिन नहीं भैया, ध्यान से सुनो, बहुत अंतर है। चौथे गुण स्थान में इतनी अल्पलीनता होती है कि उसे सम्यक तो आचरण चारित्र कहा जाता है। यदि बाहर के शब्दों में अंतर है तो अंतर की क्रिया में भी अंतर होना चाहिए। पांचवें गुण स्थान में को एक देश चारित्र कहा जाता है। मैं छोटा सा आपको सैंपल देना चाहता हूं। पंचम गुण स्थान मरती प्रथम प्रतिमाधारी और पंचम गुण स्थान मरती द्वितीय प्रतिमाधारी, क्या दोनों की लीनता अर्थात टाइम का फर्क एक जैसा है कि अलग अलग है? यदि अलग अलग है, इसका अर्थ होता है कि गुणस्थान नहीं बढ़ा है लेकिन चारित्र तो बढ़ गया है। और कौन सा निश्चय बढ़ा है? तब कहीं बाहर से व्यवहार का भी बढ़ गया है नाथ। पांचवी प्रतिमा आई, छठवीं आई, किस आधार पे आई? अंदर से मैंने केवल दो चौकड़ी कसाए अभाव हुई है, तीसरी नहीं हुई है, लेकिन दो चौकड़ी कसा में तारतम्यता कितनी। घर में रहते भी पंचम गुण स्थान है, गृह त्यागी भी पंचम गुण स्थान है, लंगोट वाला भी पंचम गुण स्थान है, चद्दर वाला भी पंचम गुण स्थान है, भाई साहब पत्नी वाला भी पंचम गुण स्थान बढ़ती है। इसलिए इसके भेद असंख्यात लोग प्रमाण हैं निश्चय चारित्र के। मुनिराजों को सकल संयम होता है, इस सकल संयम ही एक्चुअली उपचार से है, केवली को पूर्ण सकल संयम होता है। छठ में सातवें गुण स्थान में और केवली भगवान को सकल संयम, बारहवें गुण स्थान के बाद में पूर्ण संयम हो जाता है। चूंकि घंटी बज चुकी है, आगे हम इतना ही कहेंगे। निश्चय चारित्र का स्वरूप भी यदि आप अंदर से देखोगे तो बहुत भेद हैं। जो जो अंदर मंगता बढ़ती जाती है, बाहर में कसाएं घटती जाती हैं, प्रणति और व्यवहार चारित्र भी सुधरता जाता है और जीव साक्षात मोक्ष मार्ग लग के मोक्ष में जाता है। हम सब भाई आज अकेले सम्य दर्शन के गीत ना गा के जिसके हृदय में चारित्र के प्रति प्रेम होगा, चारित्र लेने की हृदय से लल्ला को भावना होगी, उसी को सम्य दर्शन होगा। इस भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।